दोस्तों, आज हम बात करने वाले बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये इस मॉडल पे कुछ स्पेशल है, मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें स्टेयर्स वगैरह जो बनी है ये सब पीछे बनी हुई हैं। यहाँ पर मैंने स्टेयर्स वगैरह नहीं दी हैं, लेट बाथ किचन नहीं दिया है, क्योंकि इस मकान के जस्ट पीछे भी मकान है। तो ये फ्रंट का एलिवेशन है, फ्रंट का डिज़ाइन है, और उसी मॉडल को डिस्कस किया। और सारी चीज़ें पीछे बनी हुई है, बस फ्रंट का एलिवेशन मैंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि इसके पीछे घर बना हुआ है, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके लिए मॉडल मैंने क्रिएट किया है। तो पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, इसका इसमें डिज़ाइन कैसा है। और यहाँ पर थ्री साइड क्लोज्ड है, मैं बता दूँ, पीछे सिर्फ ओपन है। यो यहाँ पर एक विंडो दिया, यहाँ पर एक इनका गेट रखा हुआ है, मैं बताऊँगा अभी। तो यही पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्रॉपर। अगर आप सपोज दैट इस मॉडल को कंसीडर करना चाहते हैं, किचन वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी मैं जगह बता दूंगा कि आप किचन वगैरह कहाँ बनाएं, जिससे आपका घर ही पूरा हो जाए। तो चलो इस मॉडल को डिस्कस करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं। तो आप जब भी घर बनवाए तो एक बार स्मॉल हाउस प्लान पर जरूर विजिट करें, जिससे आपको एक बेहतरीन सा मकान मिल सके, डिजाइन मिल सके। तो चलो आज का जो प्लान है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेता हूँ। फ्रंट इसका 33 लगभग 33 फिट है, और इसका जो लंबाई है ये लगभग 24 फीट में बना हुआ है। इसके बाद ये छज्जा वगैरह दिया हुआ है मैंने। तो फ्रंट का आप डिज़ाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका एक पहले बारंदा है, बगल में एक कोठी टाइप की बनी, जिसे आप एज अ गेस्ट रूम सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट इसकी हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों उसका ग्राउंड फ्लोर है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, बारंदे के सहारे से एंटर करते हैं, तो आपको एक बड़ा सा बारंदा मिलता है, और उसके इस बारंदे की छज्जा, ये लगभग जो छज्जा है लगभग निकला ही 3 फीट का निकला हुआ, मतलब 3 फीट अप्रॉक्स में। और ये जो एक कलर आपको दिख रहा पिंक टाइप का, ये बॉर्डर मैंने क्रिएट किया। और ये 3 पिलर हैं, और इसी पिलर पर ये बीम रखा हुआ है। ये पिलर लगभग 8.5 फिट के हैं, 1.5 फिट में बीम बना हुआ है, और इसमें पीओपी का भी वर्क है। थोड़ा साइड से मैं दिखा दूँ आपको, देखिएगा साइड से अगर आप देख पा रहे होंगे, बेहतरीन सा डिज़ाइन बीम में क्रिएट किया गया है। अब ये बारंदा है, बारंदे से देखिएगा आपका, सबसे पहले ये आपका एक गेस्ट रूम है, जिसमें फ्रंट में विंडो, और इसकी एंट्री के लिए आपको बारंदे से ही जाना पड़ेगा, और बारंदे में एक विंडो है। तो ये एक कोठी है या गेस्ट रूम आप समझ सकते हैं, इस डोर से आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद साइड में एक आपको बेडरूम मिलता है, ये एक गली गई है, मतलब कि आप गैलरी गई है। इसमें मेन गेट आपका ये रखा हुआ है 5 फीट का लगभग, ये देखिएगा, इसको आप जैसे ओपन करते हैं तो आप गैलरी में, और इस गैलरी से दोनों लेफ्ट और राइट साइड के बेडरूम को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम पहले लेफ्ट साइड की बात करें, तो ये आपका दिया यहाँ पर डोर, और यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे अपने इस कोठी को। मैं राइट हैंड की बात करें, तो आप गैलरी से भी एक्सेस कर सकते हैं इस रूम को, और बारंदे से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके पीछे की मकान की। तो ये जो गैलरी गई, इसके जस्ट पीछे मकान है, यहाँ पर पूरा मकान बना हुआ है, बट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि जो कि हमारे जानने वाले थे उन्हें इतना ही रिक्वायरमेंट था। अब मैं बता देता हूँ, अगर आप इसे कंसीडर करते हैं और आप भी मकान बनाना चाहते हैं ऐसा ही, तो देखिए मैं बता दूँ आपका, जो ये वाला विंडो लगा है ना, ये यहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से किचन बन जाएगा, किचन आप बना सकते हैं। और एक ग्रामीण क्षेत्र का है, तो लेट की अक्सर मैं बता दूं, लेट पाथ कहो काफ़ी बड़ा दूर बना होता है घर के, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें पास में नहीं बना होता है। तो ये पूरा रिक्वायरमेंट था। अगर आप जीना भी चढ़ाना चाहते हैं तो बारंदे से दे सकते हैं या इस साइड, हालांकि जो जो इसके लिए मैंने मॉडल बनाया उनका जीना इस तरफ, यहाँ उनका नल भी लगा हुआ है, और यहाँ से वो टर्न होकर ऊपर चले जाएंगे। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था, आप देख लें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट और लास्ट फ्लोर की। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, चारों तरफ लगभग 3 से 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल है, उसमें मैंने ग्रिल इस्तेमाल की है। और ये देखिएगा जो बारंदे वाला डिज़ाइन था, ये जो इसमें मैंने राउंड कलर में एक डिज़ाइन दिया हुआ है। इस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन बनाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने हल्का सा ब्लू टाइप का दिया है, जिससे ये घर बेहतरीन सा लगने लगे। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।